नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारती और मैं हूँ भारती कुलाना। जिस समय मैं मौजूद हूँ जज्जर के अनाज मंडी में, एक बार फिर से किसान के बाद अब आढ़ती भी और किसान यूनियन के जो नेता हैं वो फिर से हड़ताल पे आ गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब वो किस मांग को लेकर वे ज़मीन पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं मंडी एसोसिएशन प्रधान श्री भगवान, जो विषय ये है जो हमने कमिश्नर साहब आए थे, हम उनको भी अवगत कराया था, एडीएम साहब साथ थी, सेक्रेटरी को कह लिया बार बार हमारी आवाज बढ़ाई जाए जमींदार की, जो कि लेबर का गुजारा हो जाए और जमींदार को समय पर माल बिक जाए तो उनकी जरूरत पूरी हो जाए। तो वो कहने के बाद भी कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं आया और हमने आज भी कहा भी है कि कमिश्नर साहब के पाया था 90 आदमी दे रहे हैं और बोले ये मतलब मंडी की लिस्ट अलग से है, जो कि आज भी सबमिशन इकट्ठी आ रही है और उसमें उनके नाम ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कम से कम 500 जमींदार का गेट पास करना चाहिए, जो मंडी में आवाक हो जाए और जमींदार का माल बिक जाए, लेबर का गुजारा। आप कितना कट रहा है? आपके 45-47 नाम मानो मंडी के हैं, हमारी दक्षिण मंडी के और बाकी मतलब मंडी के। और जो सरकार है लगातार किसान यात्रा कर रही है, बता रही है, इसमें आप क्या सोचते हैं? हम तो इस बारे में राजनीति ना करके हम तो अपनी मंडी की ओर से बात है। अभी किसान की जब मानना है, जो किसान का माल जैसे बेकना क्यों बेका, जैसे एक बार गेट पास निकल जाए 150 कुंटल तो 150 निकल के और उसका उसका एकदम माल पड़ जाए, जिम्मेदार अपना काम कर ले और उसने हमने तोल के सरकार को दे दे और उसकी पेमेंट मिल जाए। कितने जो है मजदूर हैं आपके पास अभी अवेलेबल हैं? अवेलेबल मालूम मंडी में कम से कम 300-400 आदमी होंगे जो पूरी मंडी में, और वे आज न्यू मान लो 2 दिन मंडी छुट्टी कर दिया, जैसे पहली बार होया जो शनिवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी, ये तो बार की जो प्रत्येज उठान की व्यार थी, उठान भी ना होया और बोली भी ना हुई। तो इस मेरा नाम श्री भगवान प्रधान किसान यूनियन का ना नाद मंडी का किसान यूनियन प्रधान है जी, अपनी मार्च जा रहे हैं। असल में हम अखिल भारतीय किसान सभा के और हम पिछले 1 तारीख से जब से बाजरा शुरू हुई कई तरह से किसान को परेशान किया जाता है। पहला सर्वर डाउन हो जाता है, किसान को बताया नहीं जाता कि आपका कितना बाजरा पास हुआ है, कितना गेट पास मिला है, और इस पे डेयरी मंडी में हमने 5 तारीख को रोड डाउन किया है। और एडी साहब, एसडीएम साहब ये सब गए थे, एडीसी साहब जो हैं वो हमारे नोडल अफसर हैं इस खरीद के, और वो भी एक तरह से हाथ उठा गए कि ये सारा का सारा मामला जिस तरह से केंद्रीय सरकार संचालित कर रही है, हम इसमें कोई गेट पास अलग से नहीं काट सकते, जबकि इनके पास ये पावर है कि वो कुछ एक्स्ट्रा किसानों को मंगा सकते हैं। प्रशासन तो ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी आप देखिए झज्जर की पूरी मंडी अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुल 50 किसान आज बाजरा लेते हैं। 50 किसानों का मतलब है अगर वो 40 क्विंटल लेके आए हैं तो हो गया 2000 क्विंटल, और 2000 क्विंटल को अगर 400 लेबर है तो एक लेबर का बाट आया 5 क्विंटल, और उसको 5 रुपये प्रति क्विंटल डाल ले वो मिलता है, दिहाड़ी बनी 25 रुपये। हम ये समझते हैं कि कम से कम 400-500 किसानों की जेब में, और उससे किसान को ये फायदा होगा कि वो जितनी जल्दी इस बाजरा खरीद के सिस्टम से निपटेगा तो अपनी अगली फसल की बुआई जुताई ये कर पाएगा। साथ में जो लेबर दूसरे प्रदेशों से आई हुई इसकी भी जेब में कुछ पैसा जाएगा, नहीं तो ये जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खाएंगे। तो हमारी मांग ये है कि ज़्यादा गेट पास बनाए जाए, कम से कम पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 परचेज सेंटर हैं, तो 9 परचेज सेंटर पे अगर 500-500 किसानों को बुलाया जाए तो हम 15 दिन के अंदर ये बाजरा खरीद से निपटारा पा सकते हैं। दूसरा ये है कि बाजरा की जो पैदावार है वो हो रही है 35 मन के आसपास और सरकार खरीद रही है 8 क्विंटल, ये 15 मन बाजरा है, ये बाजरा किसान कहाँ लेके जाए, क्योंकि पैदावार बढ़ी है। अभी मेरी मार्केट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी 1990 में सरकार ने ये आकलन करवाया था कि 8 क्विंटल बाजरा होता है और 8 क्विंटल सरसों होती है, उसके बाद आप देखो पिछले 30 साल में कितना बीज के अंदर तरक्की हो गई, खाद में, दवाई में पैदावार बहुत बढ़ गई, लेकिन वो उस 8 क्विंटल से आगे चली नहीं रही और इसका दोहरा नुकसान होता है। एक तो ये है कि जो बचा हुआ जो उत्पाद है चाहे बाजरा है चाहे सरसों में, वो सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, इसी को आधार बना के सरकार जो
मुआवजा देती है नुकसान होने से उसमें भी फर्क कम मुआवजा मिलता है किसान को। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तो सरकार को अपना मूल्यांकन बदलना चाहिए, ज़्यादा किसानों के लिए खास बनाने चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने घोषित किया उस पर किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। नहीं तो हम 14 तारीख को सारी मंडियों में विरोध सभा। तो ये थे मेरे साथ में किसान यूनियन के प्रधान जी, इन्होंने बताया कि सरकार से जो मांगे हैं वो मान ली जाए न, फिर से एक बार दोबारा से मंडियों में विरोध प्रदर्शन होंगे और इसी तरह के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहेंगे इस बार के साथ।